हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टाइटल है व्लॉग का, आज पहले क्योंकि आपने मेरे दो व्लॉग अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने न्यू बाइक ली है। तो आज जो उनसे पहले वाली पुराने वाली आज उसे सेल करने जाते हैं, वो भी वीडियो आपसे शेयर करते हैं। तो हमारे ना ज़िले मंडी बावलदीन में ना जुमा बाज़ार लगता है, तो काफ़ी बड़ी मंडी लगती है, मोटरसाइकिल मंडी लगती है जुमे वाले दिन। तो अभी उधर जाऊंगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आज जुमे का दिन है, पहले जुमा पढ़ के आते हैं, जुमा पढ़ के आके फिर उधर चलते हैं। पहले जुमा पढ़ आए, चलें जी, लेट्स गो। जो लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा शुमा पढ़ लिया, घर आ चुका हूँ। तो अब खाना खा के फिर चलते हैं मंडी की तरफ, जहाँ पे बहुत बड़ा जुमा बाज़ार लगता है, मोटरसाइकिल मंडी लगती है, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, सब कुछ आपको आज दिखाऊंगा। तो चलते हैं। जाने से पहले मैंने सोचा कि अपनी ओल्ड बाइक जो सी आज सेल करनी है, उसकी ओल्ड लुक भी आप लोगों से शेयर करूँ। ये मेरी जो सी है ओल्ड बाइक है जो मैंने आज सेल करनी है, ये उसकी ओल्ड लुक है। ये देखें इसके पहले कि क्या हालात हो गए हैं, तो इसलिए मैंने चेंज करने का फ़ैसला किया था। तो काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस हालत की बाइक हो गई थी, जिसकी वजह से ये देखें अब आपकी लेफ़्ट लुक, आप इसकी बाइक की देखें। अभी मैं आपको इसकी न्यू लुक भी दिखाता हूँ। अभी चलते हैं आपको न्यू लुक दिखाने की तरफ। ये मेरी वही बाइक है ओल्ड, इसकी ये अब न्यू लुक है। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये भाई ने कितने की फ्रेश लुक करवाई है इस बाइक की। ये कम बेश मेरा 15,000 रुपये इस पर ख़र्चा आया है। और ये देखें अब मैं इसके ऊपर टेपिंग वगैरह भी लगवा रहा हूँ। ये 15,000 जो ख़र्चा आया वो टेपिंग इससे अलग है। ये पतरी पे भी टेप लगवाई है, और वैसे भी इसको इंजन पे भी टेपिंग करवाई है, शॉक्स वगैरह पर भी टेपिंग करवाई है। अब इसकी फ्रेश लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। अभी हम पहुंच चुके हैं मंडी। अभी ये देखें, ये मैं गेगा हाउस चौक भी से बोलते हैं, और चुंगी नंबर 9 वासु नाला भी बोलते हैं, अभी उस पर मैं खड़ा हूँ। ये लोग ये देखें आप लोग, ये आपकी जो सी ये जिधर गाड़ियाँ ये जा रहा है डाला, इस साइड पे बहुत ज़्यादा शोरूम्स हैं। और जब मैं जिधर कैमरा ले कर जा रहा हूँ, ये इधर जो सी शोरूम्स के अलावा जो बाइक सेल करने आते हैं ये वो लोग हैं। अभी मैं ये शोरूम्स की दूसरी साइड पर खड़ा हूँ। ये देखें ये शोरूम्स वगैरह पे भी कितना ज़्यादा रश है, तो इससे ज़्यादा रश जो बंदे जैसे मैं सेल करने आया हूँ, वैसे जो सेल करने आए उनके उनका ज़्यादा रश है। अभी ये देखें कि मैं उस साइड पे पहुँच चुका हूँ। ये जोन से ये लोग हैं खड़े, ये अपना बाइक लेके आते हैं यहाँ खड़ा करते हैं, और कस्टमर गाहक आता है वो पूछता अपने सेल करना है, वो जोन सा सेलर होता है वो कहता है जी, वो कहता है इतने का सेल करता है, वो कहता है इतने का दे दो, जहाँ रेट बन जाए वो दे देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई मोटरसाइकिल जुमा मंडी से वापस घर आ चुका है। तो आज मोटरसाइकिल हमारी नहीं सेल हो सकी क्योंकि आज रेट अच्छा नहीं लगा बाइक का, तो जिसकी वजह से मैंने बोला कि अगले जुमे को ट्राई कर लेंगे। अगर आपने हमारा पूरा व्लॉग देखा है, लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किए, तो जल्दी जल्दी लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके भाई का हौसला अफजाई हो जाएगी। अब दें अपने भाई को इजाज़त, कल मिलेंगे आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।